मगरमच्छ पानी के निर्विवाद शासक के रूप में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, जो अपनी गुप्त घात्रण नीति और हड्डियों को कुचलने वाले काटने से लैस हैं। हालांकि सबसे शक्तिशाली शिकारियों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि देखा गया है जब शेर अपने कठिन परिश्रम से कमाए गए भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं। इन दिग्गजों के बीच संघर्ष से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शेर एक मूल्यवान शव पर कब्जा करने के लिए मगरमच्छों से भिड़ते हैं। इन दुर्जेय सरीसृपों और उनके स्थलीय विरोधियों के बीच अप्रत्याशित मुकाबलों से रोमांचित होने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 5, मगरमच्छ वर्सेज बॉबकैट। इस क्लिप के शुरुआत में ऐसा लगता है कि मगरमच्छ उड़ बिलाव खा रहा है, लेकिन करीब से देखने पर जानवर के चार पैर और रंग से पता चलता है कि ये एक बॉबकैट हो सकता है। हालांकि कीचड़ भरे हालात और मगरमच्छ के व्यवहार से ये निश्चित रूप से पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। अनिश्चितता के बावजूद ये संभावना है कि खाया जा रहा जीव वास्तव में एक बॉबकैट है। इस क्लिप में एक मगरमच्छ को एक हनी बेजर को खाते हुए देखा गया है। दृश्य को फिल्माने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मगरमच्छ ने खुद शिकार किया था या फिर वह मृत हनी बेजर पर ठोकर खाकर उसे खाने का फैसला कर लिया है। नंबर 4, ध्रुवीय भालू हंटिंग। मैं समझता हूँ कि ये मगरमच्छों की उल्टी गिनती है, क्योंकि वे बहुत उल्लेखनीय है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे संगति के बावजूद आई प्रकृति की शक्ति के इन प्रभावशाली प्रदर्शनों पर नजर डालते हैं। इस क्लिप में एक ध्रुवीय भालू अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प और चपलता का प्रदर्शन करते हुए एक कारिबू के पीछे तैरता हुआ दिखाई देता है। पानी में इतने बड़े शिकार को संभालने की चुनौतियों के बावजूद ध्रुवीय भालू सफलतापूर्वक कारिबू को पकड़ लेता है। विशुद्ध शक्ति और दृढ़ता के साथ वह कारिबू को पानी से बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है, जो भालू की दुर्जेय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इस क्लिप में एक काले भालू की ओर बढ़ते हुए जिसे सड़क के पास एक हिरण पर हमला करते हुए वीडियो में कैद किया गया है, राहगीरों को ये घटना देखने और भालू द्वारा ने शिकार को तेजी से खत्म करने का फुटेज कैप्चर करने का सौभाग्य मिला है। हिरण की गर्दन पर एक तेज और घातक हमला करके काला भालू एक शिकारी के रूप में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करता है। इस क्लिप में एक भूरे भालू को एक झाड़ी के चारों ओर सूंघते हुए देखा जाता है। उसके मुंह में एक एल्कू के साथ उभरने से पहले अपने शिकार के आकार के बावजूद ग्रिजली भालू बिना किसी प्रयास के बच्चे एल्कू को उठाकर खुले मैदान में ले जाता है और अपनी अपार शक्ति और शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है। इस क्लिप में एक युवा एल्क एक विशाल भालू से भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसे आश्चर्यजनक गति से पकड़ा जाता है। भालू के शावकों के दावत में शामिल होने के कारण ऐसे निर्दयी शिकारियों के सामने एल्क के भागने की संभावना बहुत कम है। नंबर 3, मगरमच्छ वर्सेज मछलियाँ। अमेरिकी मगरमच्छ को अवसरवादी पीटर के रूप में जाना जाता है, जो कई तरह के शिकार खाने के लिए जाना जाता है, जबकि मछलियाँ उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है। मगरमच्छ अक्सर ऐसे शिकार को निशाना बनाते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पूरा निगला नहीं जा सकता है। ऐसे मामलों में वे अपने भोजन को अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें उन्हें पानी की सतह पर पटकना या उन्हें कुछ दिनों तक सड़ने देना शामिल है, जब तक कि उन्हें आसानी से फाड़ा न जा सके। एक विशेष मगरमच्छ जिसे स्थानीय रूप से बू के रूप में जाना जाता है नदी में नियमित रूप से मौजूद रहता है और अनुमान है कि ये 4 मीटर से अधिक लंबा है। एक आश्चर्यजनक घटना में बू ने एक शार्क को सिर से पहले निगल लिया है, जिससे इन शीर्ष शिकारियों की तीव्र भूख और दुर्जेय शिकार कौशल का प्रदर्शन है। इस क्लिप में एशियाई मगरमच्छ की एक प्रजाति घड़ियाल को दिखाया गया है, जो अपनी लंबी पतली थूथन के विशेषता के कारण जानी जाती है। अपनी अनूठी थूथन आकृति विज्ञान के बावजूद घड़ियाल मछली पकड़ने और खाने में समान रूप से कुशल है, जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है। एक घड़ियाल बड़ी आसानी से एक पूरी मछली को निगल जाता है, जो उसके भोजन करने के कुशल व्यवहार को दर्शाता है। नंबर 2,
मगरमच्छ वर्सेज बर्ड्स। टेक्सास के हाई आइलैंड के पास एक रॉकरी में एक मगरमच्छ को एक गुलाबी स्पून बिल पर हमला करते हुए पकड़ा गया है, जिसमें ग्रेट एग्रेट्स, व्हाइट एग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स, गुलाबी स्पून बिल्स और उनके बच्चों सहित कई तरह की पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक लाल कान वाला स्लाइडर अंडे देता हुआ दिखाई देता है, जबकि एक सॉफ्ट शेल कछुआ पास में रहता है। ये पक्षी जीविका के लिए अफ्रीका की एक छोटी झील पर निर्भर हैं, लेकिन इन सरीसृपों की कुशल शिकार रणनीति द्वारा प्रदर्शित उन्हें छिपे हुए मगरमच्छों से सतर्क रहना चाहिए। अपने छोटे आकार के बावजूद मगरमच्छ पेलिकन सहित इनमें से कुछ पक्षियों को पकड़ने में माहिर साबित होते हैं, जो उनके शिकारी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्य से सभी पक्षी मगरमच्छों के हमलों से बचने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसा कि तब देखा गया जब एक पेलिकन मगरमच्छ के घात का शिकार हो गया है। फ्लोरिडा के एक मगरमच्छ फार्म में एक और परेशान करने वाली घटना में एक पक्षी एक पेड़ से गिर जाता है और तुरंत प्रतीक्षा कर रहे सरीसृपों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, जो मगरमच्छों के साथ साझा किए गए वातावरण में पक्षी प्रजातियों के सामने आने वाले खतरों को उजागर करता है। नंबर एक, नीला बगुला हंटिंग। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखें। एक नीला बगुला एक युवा मगरमच्छ को पकड़कर खा जाता है। शिकार के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक युवा मगरमच्छ नीले बगुले का शिकार बन जाता है, जो उसे पड़ोस के तालाब में पकड़कर खा जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।